हम बस भेजेंगे आपके लिए, जिसमें बच्चे आएंगे और हम छोड़ के आएंगे, स्टिल फिर भी उनका बच्चा नहीं आया। तो ये एक विषय है, और इसमें क्या है, मैं बात कर रहा था कि बच्चे बैठे ग्यारहवीं और बारहवीं के और बीए के, स्टैंडर्ड मैट्रिक था, तो ये कंपटीशन जो हुआ, हमारे तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, स्मार्ट स्कूल कुमारी देवी, स्मार्ट स्कूल कुमारी देवी स्मार्ट ही रहा था, और ये नई बात ही हुई तो शायद सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो बोलेंगे क्या है पता नहीं। तो उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ, और जब तक मैं पहले बोला मेरे स्वास्थ्य होंगे, ये स्कूल को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि कॉपरेशन मुझे टोटली पूरी मिली, इसमें कोई शक नहीं। और सामने वाले डीएवी स्कूल का कोई टीचर, कोई बच्चा इसमें है तो काइंडली वो हाथ रेज करे। जितनी बार मैं गया हूँ स्मार्ट स्कूल में, उतनी बार ही मैं डीएवी में गया हूँ, और डीएवी में अगर मैडम नहीं मिली है तो मैं दोबारा भी गया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां मैं जाया गया हूँ। बच्चे कुछ आए थे वो मेरी समरी में आइए। नमस्कार, हमारे सरपंच या फतों के किशोरी लाल जी बता रहे हैं, वृंदावन साहब का जाम चाहिए। 91 100 काल में बच्चों ने हिस्सा लिया था, तीनों स्कूल के, कॉलेज और स्मार्ट स्कूल और डीएवी स्कूल, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में है। मैं आपको बताऊं कि 12, मैं नाम भी बताऊंगा, कोई ज्यादा नाम तो है नहीं, इसलिए ये नाम बताना भी मुझे अच्छा लगता है। तो इस कंपिटिशन टेस्ट में स्मार्ट स्कूल के ही सारे बच्चे हैं, अंडरस्टूड है। पहला बच्चा थोड़ा ताली जोर से बजनी चाहिए, लड़का है कौन, अभिनव, काफी हाँ सर, मैं ये इनाम का बाद में करते हैं, 2 मिनट के बाद में, थोड़ा पहले अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर लूं, सॉरी। तो क्या हुआ कि ये टेस्ट हुआ है, और अभी वो सोच वाली बात पीछे रह गई है, उस पर चलता हूँ मैं। सोच ये थी कि इन बच्चों का कंपटीशन कराया है, कंपटीशन में बैठेंगे तो कुछ देंगे, तो लाजमी है कि आप उसमें सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वो हर एक फील्ड के क्वेश्चन थे उसमें। मैं अभी वो बताने की जरूरत नहीं है, जो भी फील्ड होती है एक इंसान की लाइफ में, वो सभी क्वेश्चन थे, और ये हर साल होगा, और इसका जो स्टैंडर्ड है अभी आपको पता चल गया है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है 191 ने, ये स्टैंडर्ड और हाई होगा। और मैंने उसमें सोच में लिखा, प्रोजेक्ट में लिखा है कि ऐसे हमने 4-5 स्कूल का एक जोन बनाया, 5-5, 7-7 स्कूल को बना के एक जोन बनाओ, ऐसे जिले में 5-7 जोन बन जाएंगे। जिस आदमी के पास नॉलेज होती है ना, जिस आदमी के पास नॉलेज होती है, जब इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू करने वाले के आंखों में देखता है, और जब वो आंखों में देखता तो आगे वाले कभी कभी